नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त इंडिया की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे, करना चाहते हैं वजन कम, ना पिए दूध, जानिए दूध वजन बढ़ाता है या घटाता है। दोस्तों तो दोस्तों एक समय था जब हम सब बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के भी रोज दूध पिया करते थे, और आज भी माँ से लेकर डॉक्टर तक हमें रोज दूध पीने की सलाह देते हैं। तो ऐसा क्या है दूध में जो इससे बनता है या बनाता है, इतनी ज़रूरी वह चीज़ है दूध की खासियत। दूध में खूबियों की भरमार है। दूध के गुण जानकर आप भी इसके फैन हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ हमें यह डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी होना भी जरूरी है, ताकि आप समझ सके कि आपको यह सूट करता है या नहीं। तो दोस्तों कच्चा दूध अच्छा है, पशु राय नुकसान दे। हमारे बड़े अक्सर गाय से निकालकर कच्चा दूध पीते हैं। इस दूध को सबसे ज़्यादातर या ज़्यादा ताकतवर दूध माना जाता है। यह प्रोटीन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। कच्चे दूध में एमिनो एसिड, एंजाइम्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो वही पशु राइज करने में इसके सभी गुणों को खत्म किया जा सकता है। पशु राइज से होता है दूध को नुकसान। दोस्तों हम आपको बताएंगे इसके बारे में। दोस्तों यह प्रक्रिया पाचन एंजाइम और प्रोटीन जीवित रहने देती है, लेकिन प्रोटीन सी या को नष्ट कर देती है। यह प्रक्रिया विटामिन सी को खत्म कर देती है और कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम को शरीर में फंसने से रोक देती है। पशुराज दूध का सिर्फ एक ही फायदा है कि वह दूध को ज़्यादा देर तक खराब होने से बचा लेता है। तीसरा, दोस्तों दूध कर सकता है गैस और मोटापा। दोस्तों जो गाय खाएगी वही आपको मिलेगा। जी हाँ, यह सही है और ठीक वैसा ही है जैसा आप अपने घरों में कच्चा या जच्चा बच्चा को कहते हैं कि जो तुम खाओगे वही बच्चे को लगेगा। इसी तर्ज पर दूध कितना अच्छा है यह बात पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि गाय ने क्या खाया होगा। और पांचवा है दोस्तों, गाय का दूध है ज़्यादा बेहतर। गाय के दूध में कई एंजाइम और लिविंग ब्लड सेल्स होते हैं। ये पोषक तत्व होते हैं जो हमारी मांसपेशियां और हड्डियों के गठन में काफ़ी मददगार होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप हमारी यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारी यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।